Hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. आज के वीडियो में हम बात करेंगे लंग्स टीबी कैसे डायग्नाइज होता है, आपको लंग्स टीबी है इस बात का पता आपको कैसे चलेगा, क्योंकि लंग्स टीबी बहुत कॉमन है. 80% टीबी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको लंग्स टीबी होता है. अगर 100 टीबी के पेशेंट्स हैं तो उनमें से 100 में से 80 लोगों को लंग्स टीबी होता है. अगर लंग्स टीबी सही टाइम पे डायग्नाइज ना हो, सही टाइम की इसका पता ना चले और सही टाइम पे इसका इलाज नहीं होता है तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मतलब ये जानलेवा है. टीबी इज टोटली क्योरेबल, टीबी टोटली क्योरेबल है, लेकिन अगर सही टाइम पे इसका पता ना चले, सही टाइम पे इसका डायग्नोसिस ना हो और सही टाइम पे इसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है. तो अगर आपको टीबी के जो सिम्टम्स है, आज सिर्फ लंग्स टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लंग्स टीबी के जो भी सिम्टम्स है, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा आपको रेगुलर कफ आना, कफ में ब्लड आना, आपको स्वेटिंग होता है, फीवर होता है, वीकनेस होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि आपको टीबी है, उनको डाउट होता है, तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं और कौन कौन से टेस्ट से जो है लंग्स टीबी कंफर्म होता है, उस बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले आपको चेस्ट एक्सरे कराते हैं, चेस्ट सीटी कराते हैं. जब मुझे लंग्स में टीबी आया था तो सबसे पहले मेरा चेस्ट सीटी हुआ था. चेस्ट एक्सरे कराते हैं, चेस्ट सीटी कराते हैं, उसके बाद आपका स्पुटम का टेस्ट होता है. अगर आपको कफिंग हो रही है, अगर आपका बलगम निकलता है, तो वो बलगम जो है स्पुटम, उसको टेस्ट के लिए लैब में भेजते हैं. तो उससे CBNAT जीन एक्सपर्ट टेस्ट करते हैं. CBNAT का रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद आता है, तो उसमें भी टीबी कंफर्म होता है. और उसमें अगर आपका एक टैबलेट होता है रिफाम्पिसिन, अगर वो रेजिस्टेंट है तो उसमें वो रेजिस्टेंट भी दिखाता है. कोई कोई टीबी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कफिंग नहीं होती है. मुझे लंग्स की टीबी भी है, मुझे अब तक एक बार भी कफिंग नहीं हुई है. तो अगर आपका कफ नहीं निकलेगा, अगर आपको कफिंग नहीं होगी, आपको बलगम नहीं निकलेगा, तो आपको टेस्ट करने के लिए सैंपल तो चाहिए. तो उस केस में एक इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी. तो ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद जो अंदर से आपका जो सैंपल निकलता है उसको अगेन टेस्ट के लिए लैब में भेजते हैं. CBNAT, कल्चर, LPA, DST, ये सब टेस्ट होता है. CBNAT का रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाता है. अगर आपका CBNAT और जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव है तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको लंग्स की टीबी है. बट उसके बाद भी आपका एक टेस्ट होता है DST, उससे ये पता चलता है कि आपका जो टीबी है वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है. अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो कौन कौन से ड्रग रेजिस्टेंट है, और अगर आपका ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो आपका जो नॉर्मल टीबी का टैबलेट्स है 4 टैबलेट्स वही चलेंगे. अगर आपका ड्रग सेंसिटिव टीबी है, MDR टीबी है, XDR टीबी है, तो उसे हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है. अनदर टेस्ट ये भी होता है, मोंटॉक्स टेस्ट जिसको कहते हैं, टीबी स्किन टेस्ट, ये भी करते हैं. तो ये आपके आर्म्स में एक इंजेक्शन थोड़ा सा ये करके कुछ ऐसे करते हैं, मुझे इसका प्रोसीजर नहीं पता है, लेकिन ये वाला टेस्ट भी होता है जिसको टीबी स्किन टेस्ट करते हैं. ये पल्मोनरी टीबी के लिए भी करते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए भी करते हैं. तो ये कुछ टेस्ट है जिससे लंग्स टीबी, पल्मोनरी टीबी डायग्नाइज होता है, इसका पता चलता है. अगर कोई भी टेस्ट मुझसे छूट गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सो दैट दूसरों की हेल्प हो. एंड जब ये सारे टेस्ट हो जाता है, आपकी टीबी का कन्फर्म पता चलता है, फिर आपको एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ट्रीटमेंट ATT आपका स्टार्ट होता है. जब आपका ATT स्टार्ट होता है तो आपको एवरी मंथ जो है फॉलो अप के लिए जाना होता है. एंड एवरी मंथ और ट्वाइस अ मंथ आपको कुछ टेस्ट कराना होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब कराना होता है, ताकि वो मेडिसिन से जो आपके लिवर पे, किडनी पे जितना साइड इफेक्ट होता है उसको भी चेक करते रहे. तो कभी कभी अगर लिवर पे बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को थोड़ा सा पॉज करना पड़ सकता है, स्टॉप करना पड़ सकता है. और आपका ATT स्टार्ट होने के 3-4 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद एक बार अगेन स्पुटम का जो है सैंपल लेके आपका कल्चर टेस्ट होता है. सो ये था आज का वीडियो, आपका लंग्स टीबी कैसे डायग्नाइज होता है. एंड एंड पर मैं बता दूं, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल. मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करती हूँ. मेरी 2.5 ईयर्स की जो ट्यूबरक्यूलोसिस की जर्नी है, उनमें से मुझे क्या क्या पता चला है, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के बेसिस पे शेयर करती हूँ. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.